दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया। तो आज हम आलू वाली परोठी बनाने जा रहे हैं। देखिए, आलू कुकर में उबाले हैं, अभी देखिए तड़का काट के तैयार हुआ पड़ा है। इसमें लहसुन, अदरक, मिर्ची, प्याज कटी पड़ी है। इसके लिए आटा गूंद पड़ी हूँ। और देखिए, इसके आज बनाएंगे मजेदार। देखिए, कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ छोटी सी। इसमें छोटी सी कढ़ाई है हमारी, कहते हैं ना, बिल्कुल छोटी सी कढ़ाई है, बिल्कुल छोटी सी। दिख रहा है आपको? दिख रहे होंगे, है ना भाई। इसके लिए सरसों का तेल। सरसों के तेल खाना बहुत अच्छा होता है दोस्तों, बहुत बढ़िया। इसके लिए थोड़ी सी इसमें डाल दो सरसों, है ना। आप लोग धनिया का परोठा खाते होंगे ना, तो अच्छी लगती होगी। धनिया का परोठा बहुत बढ़िया लगता है ना। तो सर्दी है, आप लोग आइए, आप लोगों को चाय भी पिलाएंगे। सुबह सुबह के टाइम पर तो चाय मिलेगी, और रोटी तो 10 बजे ही मिलेगा। बच्चे को स्कूल जाना है तो तैयार करेंगे तभी ना बच्चे को देंगे। ये हमारा गरीब का किचन, क्या करें, गुजारा तो करना है ना। तो हमारा हो चुका है, तब इसमें देखिए डाल रहे हैं। अगर ये अच्छा बन जाता है ना पूरी परोठी, तो खाने में अच्छा टेस्टी आ जाता है। नहीं तो वो दूसरी तरह से बनाते हैं ना, तो उतना अच्छा नहीं बनता है दोस्तों। काटी तो ऐसे भी बना लो, इसमें खरा खरा भी डाल देते हैं, बस वो कोई काम भी नहीं होता है। इस करके इसके लिए पहले से तैयार कर देते हैं, काटते हैं, फिर बनाते हैं, फिर परोठी के तड़का लगाते हैं, देसी घी में बनाते हैं। हमको पता होगा कि अपने अपने घर में मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग अपने घरों में खाते होंगे, बनाते होंगे, सपने खाता बनाता है। बाकी मेरे पास घर किचन नहीं है दोस्तों, किचन टूटी फूटी किचन है, वही में बनाना पड़ता है, और क्या करें। चलो, भगवान ने चाहा तो सबको अपना अपना छत दे, सबने अपना अपना घरों में खुश रहे। हम तो कहते हैं कि सबको भला तो मेरा भला, कर भला तो हो भला, है ना। किसी को बुरा नहीं करेंगे ना तो हमारा बुरा नहीं होगा। हम दोस्तों सबके साथ खुश रहते हैं, और जितना मेरा यूट्यूब फैमिली है सबको साथ खुश रहते हैं। किसी कमेंट करे ना करे, कोई लाइक करे शेयर करे ना करे, फिर भी मैं खुश हूँ, हंसते रहती हूँ। अच्छा दोस्तों, हमें खुद अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों के हम बार बार बोले, बार बार कहे, बार बार सुने, तो इसलिए अच्छा दोस्तों और क्या चीज होता है, है ना। चलिए गाना सुनाते हैं। आस की तरस गई राजा जी, आस मरला मूसा की तरस गई राजा जी। तो जाते हैं परदेश कमाने के लिए, तो खुद कमा के खुद खाते हैं ना, खुद बना के खुद खाते हैं, तब पता लगता है उनको जनानी क्या होता है। जनानी का कदर तो करते नहीं है घर में रह के, कहते तू करती क्या है, सारा दिन बैठी रहती तू करती क्या है। सारा दिन बैठी रहती है तू करती क्या है। देखिए दोस्तों, नमक जितना अपने हिसाब से डालना, स्वाद के हिसाब से, ज़्यादा मत डाली होगा। लाल मिर्ची थोड़ा सा ठोक देते हैं, और गरम मसाला हल्का सा। हम हल्दी नहीं डालते दोस्त, मेरे को हल्दी पसंद नहीं होती, कहते हैं ना तू करती क्या है सारा दिन, क्या करती है, क्या करती है, पता लगता है ना कि क्या करते हैं, घर में बैठे रहो। तो दोस्तों, हमारा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना,
तो हमारा तड़का बनके हो चुका है तैयार। अब आलू में मिलाएंगे, आलू को बनाएंगे परोठे। और खाना है तो फटाफट आइए, आपको खिलाएंगे मजेदार। और आप लोग के तब तक के बाय बाय। बर्तन मांजने वाला है दोस्त मेरे घर में ढेर सारी। हेलो दोस्तों, एक परोठी चढ़ा हुआ है और दूसरा परोठी देखिए बेल के रखे हैं इधर, और हमारे कमरा में इधर से इधर घूमना पड़ता है। तो ये देखिए सारा तैयार करके रखे हूँ। अब इसमें डालेंगे तेल, ठीक है। अब इसमें तेल डालेंगे, इसको बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे, है ना। तो अब इसको सिझाएंगे अच्छे से, सिझ जाएगी तो खाएंगे बच्चे, जाएंगे स्कूल चले जाएंगे। देखिए अगर सरों का तेल डालिएगा तो और अच्छे बनेंगे, अगर रिफाइंड डालना है तो रिफाइंड भी अच्छा बनेगा, घी डालना है तो घी की अच्छी बनेगी। अच्छे से सेक लीजिएगा, कच्चा ना रहे। आई है थोड़ी मोटी परोठी है, देसी परोठिया है, कहते हैं ना कि देसी, कहते हैं कि देसी है। हम ना रहने वाले बिहार के हैं, हम एक जंगली हैं। बेटी हूँ बिहार के, रहती हूँ पंजाब में दोस्तों। क्या करें, मजबूरी है, गटर वाला में रहना हमें।